चुप तक एंडी रोते हुए बड़ी फनी लगती है। एंडी एंडी और रोन एंडी लगती है तो इसी रह रहना तो अकल ठिकाने आएगी घुटनों में तो है तुम्हारा सा अकल। कैसे हमको बोलता है कि रोते हुए अच्छे लगते हैं आंटी अब रोते हुए अच्छे लगेंगे दर्शक लोग कैसे हो तो सब गड़बड़ा गया है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दर्शक लोग आज हमारा सर तनिक भेजा तो दुख रहा है खोपड़ा कल से अच्छे से आएंगे अच्छे से बात करेंगे दर्शक लोग खानी आंटी इससे पहले कि हमारे ना सहन शक्ति की सीमा बढ़ जाए ना उससे पहले का खबर ला हो दिखा दो ना ये घुमा के देंगे ना तुमको घुमा के नहीं आंटी ऐसे सीधा देना सीधा कवर चला देते कवर टेलीविजन दुनिया के सबसे पॉपुलर स्टार्स में शुमार निया शर्मा हमेशा ही अपने बोल्ड लुक्स को लेकर चर्चा में रहती है। निया को कई बार उनके कपड़ों के कारण ट्रोल किया जाता है लेकिन निया शर्मा ने अब तक अपनी इस इमेज को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे आपको भी हैरानी होगी। निया ने बताया है कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग से बढ़कर पर्सनल लाइफ में उनके दोस्त और यहाँ तक कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी उन्हें ताना मारा था। निया शर्मा ने टीवी के पॉपुलर शोज 1000 में मेरी बहना है जमाई राजा इश्क में मर जावा नागिन 4 जैसे कई बड़े टीवी सीरियल्स में काम किया है। इसके अलावा वो खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो और विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में भी नजर आ चुकी है। निया शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझसे मेरे दोस्त कहते थे कि तुम इतनी अजीब लिपस्टिक क्यों लगाती हो ये अच्छी नहीं लगती। इसके बाद मुझसे कहा गया कि तुम अवार्ड फंक्शन में नेकेड क्यों जाती हो नेकेड तो मैंने इंग्लिश में बोला है मुझे तो हिंदी में बोला गया था और ये सब मेरे खुद के फ्रेंड्स ने बोला था। निया शर्मा ने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड को भी सोशल मीडिया पर उनकी बोल्ड इमेज से दिक्कत थी। निया ने कहा मुझे समझ में नहीं आता कि सोशल मीडिया इमेज से आपके आपसी संबंध कैसे खराब हो सकते हैं सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है उसे वही रहने दीजिए। निया शर्मा इंस्टाग्राम पर काफी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं इसलिए उन्हें ट्रोल भी किया जाता है लेकिन निया हमेशा ही अपने ट्रोलर्स को कड़ा जवाब देती हैं और सोशल मीडिया पर निया इस समय काफी पॉपुलर है। अच्छा तो हम चलते हैं भगवान का नाम लो ना थोड़ा श्री कृष्णा गोविंद एक मिनट छुपे छुपे ये अच्छा तो हम चलते वैसे अचानक से भगवान का नाम कैसे आ गया संध्या का समय हो गया है ना भगवान का नाम लेने का अकल ठिकाने आएगी ना भगवान संध्या से मिलने हमको कल जाना है संध्या का अभी थोड़ी समय हुआ है कल उसको टाइम जाए डेट भी श्री कृष्ण गोविंद हम अकेले गाएंगे ना आंटी तो ये ऑडियंस भाग जाएगी हाँ तो सही कह रहे हम आवाज सुनेंगे दर्शक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा अब हम चलते हैं दर्शक लोग कल मिलते हैं फिर से।